बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मामला जिला जज को ट्रांसफर कर दिया है। क्या कुछ कहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ज्ञानवापी मस्जिद पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 17 मई का आदेश अगले 8 हफ्तों के लिए जारी रहेगा। गर्मियों की छुट्टियों के बाद जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई करेगा, लेकिन आदेश को जारी करने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले में कई टिप्पणियां की है। ज्ञानवापी मामले में निचली अदालत में चल रही सुनवाई अब जिला जज की अदालत में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज के पास ये मामला स्थानांतरित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिला जज ये तय करें कि सूट की मेंटेनेबिलिटी के ऊपर सबसे पहले जल्द से जल्द निपटारा करें, उसके बाद फिर 6 से 8 हफ्ते के अंदर बची हुई जो याचिकाएं निचली अदालत में लंबी थी उनके ऊपर सुनवाई करें। वाराणसी जिला जज को केस ट्रांसफर, सिविल कोर्ट से जिला जज को ट्रांसफर। जिला जज ही मामले की सुनवाई करेंगे, जिला जज ही ज्ञानवापी पर फैसला लेंगे। ज्ञानवापी में शिवलिंग की सुरक्षा की जाए, नमाज जारी रहेगी, वजू का इंतजाम हो। जुलाई के दूसरे हफ्ते में फिर सुनवाई होगी। 12 बजे से हियरिंग स्टार्ट थी, मात्र आधा घंटा इस बात की हियरिंग हुई और उसमें प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट की धारा 4 इस ज्ञानवापी के संबंध में, केस के संबंध में लागू नहीं होता, इसी पर बहस हुई और समय सीमा समाप्त हो जाने के पश्चात 6 जुलाई की तिथि नियत हुई है। देखिए 7/11 की एप्लीकेशन होती है, जो मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि जो हमने सूट फाइल किया है वो मेंटेनेबल नहीं है, वो सूट चल नहीं सकता है, उसके लिए उन्होंने 7/11 की एप्लीकेशन डाली थी, मतलब इसको इमीडिएटली रिजेक्ट किया जाए। तो कोर्ट ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी उसको कंसिडर करेगा और जो बाकी चीजें हैं वो भी कंसिडर की जाएंगी, और ये ही 7/11 का मतलब है, मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट का। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि पहले 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के उल्लंघन बताने वाली मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सुनवाई हो, तब तक सुप्रीम कोर्ट का शिवलिंग क्षेत्र को सुरक्षित रखने और नमाज न रोकने के आदेश जारी रहे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, समुदायों के बीच भाईचारा और शांति हमारे लिए सबसे ऊपर है, हमारा अंतरिम आदेश जारी रह सकता है और शांति बनी रहेगी। पहले ट्रायल कोर्ट को मुस्लिम पक्ष की 1991 एक्ट के उल्लंघन की अर्जी पर सुनवाई करने दें। अभी सभी पक्षों को काफी बहस करना बाकी है, इसलिए माननीय न्यायालय ने 6 जुलाई को सुबह 10 बजे से हेयरिंग का टाइम निर्धारित किया और यह ऑब्जर्व किया है कि अब उसकी कंटिन्यूअस हेयरिंग चलेगी जब तक कि आर्गुमेंट सभी पक्षों के कंक्लूड ना हो जाए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट पर सवाल उठाए और कहा कि इस तरह की कमीशन रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनिंदा लीक बंद होनी चाहिए, प्रेस में बातें लीक हो रही हैं, इसे कोर्ट में जमा करना चाहिए, कोर्ट ही इसे खोले, हमें जमीन पर संतुलन और शांति की भावना की जरूरत है, एक हद तक हीलिंग टच की जरूरत है। फिलहाल ये अदालतों का चक्कर जो है वो जारी रहेगा। सिविल कोर्ट से मामला जिला जज के पास गया है, जिला जज से मामला हाईकोर्ट आएगा, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आएगा और लगातार ही मामला इसी तरह से लंबे अरसे तक अदालतों के चक्कर काटता रहेगा और तब तक सियासी गलियारे में भी ये मुद्दा लोग बुनाने की कोशिश करते रहेंगे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैध भारत समाचार दिल्ली।